नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने काला डेरा महाविद्यालय में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास को खोलने की मांग। स्वास्थ्य शासन विभाग से अनापत्ति पत्र मिलने के बाद स्थानीय वार्ड के लोगों ने पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी का आभार जताया। सामुद इलाके के थिगरिया गांव में दो पक्षों में झड़प, झगड़े में 3 लोग घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। काठियावास इलाके में आनंद लोक कॉलोनी में जेडीए की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को जेडीए दस्ते ने हटाया। करीब 50 बीघा भूमि को जेडीए ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। चौ में नेशनल हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में 3 लोग घायल। बजू के आरडी 860 जीएसएस पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, जीएसएस का किया घेराव, 15 दिन से नहीं मिल रही है बिजली, बिजली के अभाव में हो रही है फसलें। शॉर्ट सर्किट होने से ढाणी में लगी आग, 40 फवारे सहित घरेलू सामान हुआ राख। नंदौर पुलिस ने अवैध जिप्सम परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। तलेसर गांव में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज फिर से प्रशासन का पीला पंजा चला और जोहड़ पायतन क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। ट्रेलर और टैंकर की भिड़ंत में एक की मौत, सड़क हादसे में टैंकर चालक की हुई मौत, नेशनल हाईवे 11 गड़ियाला फाटा के पास हुआ सड़क हादसा। बलदड़ा गांव में एक युवक के करंट की चपेट में आने से हुई मौत। अंता में डीआईजी रवि गौड़ ने अंता का दौरा किया, यहां पर डीएसपी कार्यालय और सर्किल के 3 थानों का निरीक्षण किया। मुरलीसर के जयपुर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेटाडोर से 20 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। 12 में सड़क सुरक्षा माह का समापन, जहां पर एसएसपी विजय स्वर्णकार, यातायात प्रभारी आशा सिंह ने यातायात नियमों की जानकारी। सारथल के पास एक बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने से बाइक पर सवार 3 लोग घायल। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में कानून को संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिमलवाड़ा तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। जिले के सरकारी शराब की दुकानों के ठेकेदारों ने उदयपुर के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्य शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों ने सिमलवाड़ा एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के बीछीवाड़ा ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिक्षा विभाग के कार्मिकों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। डूंगरपुर जिले के जागरण जन सेवा मंडल की ओर से आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय में अभिनंदन समारोह आयोजित। बाली में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों ने लगाया टीका। बाली सब डिवीजन के फालना पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी राजपुरोहित, सहायक और उप निरीक्षक की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। राजस्थान कानून को संघ उपशाखा ने देसूर में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति देसूरी के नए विकास अधिकारी के पद पर आज अर्जुन सिंह शेखावत ने पदभार ग्रहण किया। बांसवाड़ा जिले के कुबड़ा गांव के पास ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, इसमें स्कूटी पर सवार पिता की मौत हो गई तो वहीं बेटा घायल। बांसवाड़ा जिले के पाटीकला गांव में रात को टवेरा और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर लोगों ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र में महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में युवक ने की आत्महत्या, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उपखंड क्षेत्र के गांव टोड़ी खोरा में दूल्हे ने दहेज को ना कर शगुन के तौर पर 1 रुपये लेकर मिसाल पेश। 2 दिवसीय भाजपा केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में बालाजी मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और रीति नीति के बारे में चर्चा की गई। इंदौर के अंडनकापुरा गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पशुओं के बांझपन सहित अन्य बीमारियों का उपचार किया गया। इंदौर से लिखे नाकापुरा के पहाड़ों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें सैकड़ों पौधे और झाड़ियां जलकर राख। इंदौर से लिखे न्यू ज्योति नगर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन, जिसमें काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। जावर कस्बे के पुराने बस स्टैंड स्थित बालाजी के मंदिर परिसर में आयोजित नानी बाई रो मायरो की कथा का दूसरा दिन, कथावाचिका सिद्धि किशोरी ने यहां पर नरसिंह श्री कृष्ण के अटूट भक्त थे। देह अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्सुक दिखे शिक्षक। दलेरपुरा गांव के चारागाह में चल रहे वाटर शेड के कारों को दबंगों ने अतिक्रमण कर बंद करवा दिया। नरेगा श्रमिकों ने अतिकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बाहर शौच करने पर दृष्टिहीन दिव्यांग युवक को पड़ा महंगा, शौच को लेकर युवक के साथ एक ग्रामीण ने की मार। नगर परिषद सभापति मधु नवाल का तालेड़ा सदड़ी गांव में पूर्व प्रधान रघु शर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। चिकित्सक तुलसा राम के साथ हुई मारपीट के बाद दोनों ओर से समझौता वार्ता की गई। मोहनगढ़ राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए गए।
वन विभाग की महिला कार्मिकों ने रामगढ़ के पास ढाणी अर्जुना में कोबरा को रेस्क्यू किया। रामदेवरा कस्बे के आसपास की ढाणियां सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हैं और ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिलाड़ा के खेजड़ा गांव में शहीद हुए लक्ष्मण राम चौधरी को की याद में श्रद्धांजलि संध्या का पोस्टर विमोचन किया गया। भिलाड़ा के गुरु गणेश आश्रम में सांप के आने से मचा हड़कंप। कापरडा गांव में शराब की दुकान का ताला तोड़कर 82,300 रुपये जाने और जेसीबी पर तोड़फोड़ करने वाले चार लोगों के खिलाफ भिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। भिलाड़ा की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। बालेसर के राजकीय विद्यालय कुई इंदा में भामाशाह पवन शर्मा के सहयोग से स्कूल में बच्चों को बैग और शिक्षण सामग्री भेंट की गई। भावी गांव में एक युवक घर से जोधपुर के लिए निकलना और कुछ पता न चलने पर परिजनों द्वारा भिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शेरगढ़ के थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह के निर्देश पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 दिन में 43 चालान काटे गए। शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र की मिडिल स्कूलों के 342 शिक्षकों का बुधवार को शेरगढ़ और सोमेश्वर अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण कराया गया। पुलिस ने गैस टैंकर में अवैध रूप से डोडा पोस्त परिवहन करते समय नाकेबंदी कर गैस टैंकर से 6.37 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त को जब्त किया। टाटोटी सहित क्षेत्र के चांदमा जावला आदि गांव में निधि संग्रहण समिति सदस्य शिव प्रकाश पुरोहित और विश्वदेव कुमावत ने राशि एकत्रित। टाटोटी के बागरिया बस्ती में पिछले 2 माह से हैंडपंप खराब पड़ा होने से पेयजल की समस्या बनी हुई है। अजमेर ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के उर्स को लेकर सरवाड़ में जायरनों की भीड़ उमड़ी। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में वैक्सीन लगाने के लिए दिनभर लंबी लाइन लगी रही। राव मावी जवाजा में गार्गी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 छात्राओं को विधायक शंकर सिंह रावत ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से नवाजा। द्वारापुरा ग्राम पंचायत के सुमेल कल बैरवा पास की महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में अघोषित विद्युत कटौती के चलते रबी की फसल की सिंचाई में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के भोजवाड़ा गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए लगे एकल बिंदु से आस पड़ोस के लोगों द्वारा पानी भरने से स्कूल के बालक बालिकाओं को पीने के पानी की समस्या बनी। परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर के पीछे सूखे पेड़ और झाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। कुंडाल किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष कमल बोहरा ने एकलिंगपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गौशाला बनवाने की मांग। परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड कार्यालय में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम द्वारा सांप का रेस्क्यू किया गया। रावतभाटा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बैल गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्षद संजय रेठूदिया ने घायल बैल का उपचार करवाकर गौशाला पहुंचा। रावतभाटा मूर्ति गुर्जर को 12वीं विज्ञान वर्ग में SBC वर्ग में जिले में सर्वाधिक 91% अंक प्राप्त करने पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तारानगर नगर पालिका में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा पार्षद नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर राकेश जांगिड़ और कार्यकर्ताओं ने कपिल शर्मा और तिलोक रेगर का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। पतंगढ़ अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा का शिष्टमंडल 300 किलोमीटर चूरू में दिल्ली पैदल पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर लव जिहाद पर कठोर कानून बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत सालेह मोहम्मद के मुख्य आतिथ्य में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रदर्शनी का उद्घाटन हस्ताक्षर के साथ हुआ। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान के तहत क्षेत्र विधायक अवनीश महर्षि ने 2,28,700 रुपये का चेक समर्पित किया। नगर परिषद के पूर्व उपसभापति और पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने CM को पत्र लिखकर खाद्य सुरक्षा की वेबसाइट शुरू करवाने की मांग की। मेघवंश बलाई समाज के संत आचार्य स्वामी गरीब साहिब की 109वीं जयंती के उपलक्ष्य में 9 मार्च को होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन सह संयोजक हनुमान प्रसाद भाटिया की टीम ने किया। कृषि विभाग द्वारा सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी लोकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दूधू के पालू गांव में दूध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव में गिदानी के पूर्व सरपंच हनुमान जानदू निर्विरोध अध्यक्ष और मीरा देवी उपाध्यक्ष चुने गए। मानपुर कला कस्बा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नेहा मीना की मौजूदगी में कार्मिकों को कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगाए गए। बगरू के ठिकरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच मंजू देवी चौधरी के मुखातिथ्य में निःशुल्क आधार कार्ड शिविर लगाया गया। जयपुर जिले के रेनवाल में विद्युत निगम कार्यालय के पास बने कियोस्क बदहाली के आंसू बहा रहे हैं और करीब 20 वर्ष पहले बनाए गए उक्त कियोस्क बनने के बाद आज तक नहीं खुले।
राज्य सरकार द्वारा विगत 18 जनवरी से आयोजित किए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया। ग्राम मुर्दा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता मिशन अभियान टीम के तत्वाधान में बेटी जन्म पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर की डी पंचायत समिति के गांव उमरा में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर अनदेखी के चलते लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। नरहरपुर में अज्ञात कारणों के चलते सड़क किनारे रखी कड़वी पशु चारे में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे भुसावर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अकाता के राजकीय विद्यालय में ग्रामीणों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है। विद्यालय के पूरे मैदान में ग्रामीणों ने उपले थापकर और ईंधन लगाकर अस्थायी अतिक्रमण किया। बाजीपुरा में भगवान देवनारायण मंदिर पर आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। बिरहरू निवासी और वनपाल की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, ड्यूटी पर जा रहा था जहां अचानक रोडवेज बस में तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठूमर के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हिम्मत वर्मा ने बताया कि बुधवार को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 210 शिक्षकों और अधिकारियों को सफलतापूर्वक टीके लगाए। बांसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार 500 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। नगर पालिका प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से सड़क किनारे ठेली लगाने वालों को शीघ्र हटाने की चेतावनी दी। थानागाजी में महिला स्वावलंबन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिस पर ब्यूटी पार्लर के बारे में जानकारी प्रदान की। कस्बे में राजस्थान पेंशनर संघ शाखा द्वारा जरूरतमंद लोगों को 51 राशन किटों का वितरण किया गया। सिरोही जिले के तलहटी में राबली मजदूर यूनियन द्वारा मुखड़ी माता मंदिर में 1,51,000 रुपए की राशि भेंट की गई। सिरोही जिले के मानपुर में सीवरेज कंपनी के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जगह जगह आए दिन हादसे हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। सिरोही जिले के आबू रोड में पत्नी की हत्या करने वाले पति को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया, सदर थानाधिकारी देवी सिंह के नेतृत्व में पुलिस को सफलता मिली। हरियाबंडी उपखंड के ग्राम थावला में निधि समर्पण अभियान में सेवारत राम भक्तों का हौसला वर्धन अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। हरियाबंडी उपखंड के ग्राम झीटिया में जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लाडनू निम्बी जोधा के पास टोल प्लाजा पर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी, कृषि बिल वापस लेने की मांग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने ली समीक्षा बैठक, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के प्रयासों और टीम नागौर के काम की तारीफ। जिला कलेक्टर पहुंचे मेला मैदान स्थल, ली अधिकारियों की मैराथन बैठक, श्री रामदेव पशु मेले के आयोजन को लेकर पशुपालन सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान 5,000 के नए बदमाश कल्याण ठाकुर सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जल स्वच्छता समिति की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ग्राम पंचायत विस्नोदा धौलपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर किया गया। राजाखेड़ा पुलिस टीम ने 2 अलग अलग गांवों से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, 2 अवैध कट्टे बरामद। बाड़ी कस्बे में घायल अवस्था में अलग अलग स्थानों पर गाय पड़ी मिली, इनका राष्ट्रीय गौ सेवा संघ बाड़ी के युवाओं ने इलाज कराया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फॉरन लौटते हैं। Ease of doing business ने चमका सूबा, CCU तक पहुंची आसाराम की चेली, किसान संग्राम में ट्रेन का चक्का जाम, धौलपुर में कट्टे वाले शोहदे का ड्रामा, देखिए आपनों राजस्थान शाम 7 बजे। कोरोना काल में पूरे वक्त के हाल में इन्होंने दिखाया दम, साथ खड़े रहे हर दम, विकास में दिया योगदान, सेवा पर रहा ध्यान, बढ़ाया मान, कायम रखा जिले का सम्मान। जालौर की ऐसी महान हस्तियों का जी राजस्थान करेगा सम्मान। जी राजस्थान उद्यमी सम्मान 2021 जालौर से, सिर्फ जी राजस्थान पर। एसोसिएट स्पॉन्सर उकराजी राज पुरोहित वुमेन्स कॉलेज, श्री बालाजी ट्रेडर्स जालौर, नवरंग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जालौर, चीतलवाना सेवा संस्थान, आरडी फाउंडेशन भीनमाल, प्रवीण कुमार बिश्नोई जालौर, नगर पालिका मंडल भीनमाल, 3G गोल्ड वेन्यू पार्टनर नाहर हॉस्पिटल।
ब्रेक का स्वागत है, एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट का प्रोग्राम। सरानीखेड़ा में विद्युत विभाग धौलपुर की ओर से शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही निस्तारण किया गया। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ, देवनारा युग शिक्षण संस्थान पुराना बाजार बाड़ी में किया गया। सांगौर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से शहर में यूनिटी मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए। कनवास में इंदिरा कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोर एक सोने घर का ताला तोड़कर हजार रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। कनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर प्रथम चरण में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को कोविड 19 वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई और पहले दिन 161 में से 140 लाभार्थियों को वैक्सीन टीकाकरण किया गया। इटाव में मोती कुआं क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर घर के भीतर खड़ी बाइक को चुरा लिया। नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने कार को मारी टक्कर, जिसमें कार झाड़ियों में जा उलझी। दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई तो वहीं एक बालक समेत दो लोगों को गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया गया। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड 19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में शिक्षा विभाग के 177 कार्मिकों का टीकाकरण हुआ। मौली में लगातार अवैध बजरी परिवहन देखा जा रहा है, सूत्रों की माने तो सरकारी महकमा ही नहीं ग्रामीणों द्वारा भी गांव से गुजर रहे वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। खंडार सवाईमाधोपुर पर मुख्यालय के सामने खातेदारी भूमि पर जबरन वन महकमा द्वारा दीवार का अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, किसान इस भूमि पर 100 साल पूर्व से काश्त करते आ रहे हैं। जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा के लिए प्रभारी ओआईसी अधिकारियों की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में। राज्य सड़क सुरक्षा माह का आयोजन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के थीम पर किया गया। सड़क सुरक्षा माह का समापन बुधवार को नगर परिषद सभागार में पुलिस अधिकारी सुधीर चौधरी के मुख्य अतिथि में। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के समदड़ी ग्राम पंचायत में पिछले 3 माह से सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, इसे लेकर 2 दिन में सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे। गुड़ामाला ने विधानसभा क्षेत्र के सोदाबेरी गांव में ओमप्रकाश मेघवाल की रहवासी ढाणी में अचानक से आग लग गई, आग लगने से झोपड़ा जलकर राख हो गया। बायतू विधानसभा क्षेत्र के पाटोदी ब्लॉक के अंदर 292 शिक्षकों का कोरोना टीकाकरण किया गया। बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने वीर तेजाजी मंदिर में चल रहे श्रीमद भागवत कथा में हिस्सा लिया और कथावाचक प्रेम बाईसा से आशीर्वाद लिया। गंगापुर में राज्य सरकार के 3 मंत्री शांति धारीवाल, लघु शर्मा और दलाल आदना नगर पालिका कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री गांधी स्पोर्ट्स क्लब ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में वॉलीबॉल का शो मैच टीम मनीष ने टीम अनुज से 2-1 से मैच जीता। जालमपुरा ग्राम अटलपुरा में राजकीय विद्यालय परिसर में ग्रामवासियों द्वारा वीणा वादनी का मंदिर निर्माण कर पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चार के साथ माता सरस्वती की मूर्ति स्थापना की। गेदरिया क्षेत्र के रेंड सहित गांव में अफीम की फसल पर सफेद फूल खिल रहे हैं, जिससे अफीम की फसल पर सफेद की चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। सीकर के निमका थाना के SNKP कॉलेज के छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सैनी के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। सीकर के फतेहपुर कस्बे के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की शिरकत। निमका थाना इलाके के इलाका की नागन निवासी राहुल अपनी दुल्हन को केतरी के सरदारपुरा से हेलीकॉप्टर से लेकर अपने घर लेकर आया। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी नगर पालिका अध्यक्ष दुदाराम चौहान का शपथ ग्रहण प्रदेश कांग्रेस महासचिव और विधायक हाकम अली खान के सानिध्य में आयोजन हुआ। झुंझुनू के मंडेला स्थित पुराने बस स्टैंड पर नाले के ऊपर लगा सुरक्षा जाल टूटने सफाई कर्मियों को नाले की सफाई करने में दिक्कतें हो रही। झुंझुनू के ग्राम पंचायत बाय में पूर्व सरपंच स्वर्गीय सुधींद्र पुनिया की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू के पुरोहितों की ढाणी के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भामाशाह श्रवण कुमार द्वारा विद्यालय को कंप्यूटर में प्रिंटर और स्कैनर भेंट किया गया। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमानपुरा में देवी मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण मंगलवार को बसंत पंचमी पर हुआ। झुंझुनू के बड़ाव में शराब ठेके पर हुई लूटपाट की घटना में शामिल 4थे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।